कार्यक्रम तो मुख्य था क्योंकि आज से 41 साल पहले हमने यहीं से स्टार्ट की थी चुनावी राजनीति, यही महीना था, यही दिन थे। तो पंचायत समिति के मेंबरों का पहली बार चुनाव हुआ था इसी महीने के अंदर, उन बातों को पूरे 41 साल। वो भी एक ऐसा दौर था जब हमने बड़ी ताकतें, जो सरकारी रूप की ताकतें थी, उनके खिलाफ चुनाव एक संगठन के माध्यम से लड़ा था। और उस वक्त के संगठन के जितने हमारे पुराने साथी सहयोगी थे, उनमें से बहुत से आज हमारे बीच में नहीं रहे, और बहुत से साथी आज भी जिंदा हैं। उन्हीं के साथ बैठ के एक प्रोग्राम बनाया था, लेकिन संयोग से, क्योंकि ये परसों आज़ादी का दिवस है, बहुत लंबे अरसे के बाद इस देश को आज़ादी मिली, तो उस आज़ादी का दिन भी हम तिरंगा यात्रा लेके निकालते हैं, तो ये दोनों प्रोग्राम हमने इकट्ठे कर दिए। आज हमने ये तिरंगा यात्रा का प्रोग्राम भी, और आज से 41 साल पहले जिस संगठन के माध्यम से हमने एक राजनीति शुरू की थी केवल साथी सहयोगियों की वजह से, हमने उनका धन्यवाद उनसे मेल मिलाप करने के लिए दिया। आज का दिन हमने निश्चित किया था, इसीलिए ये प्रोग्राम किया गया था, क्योंकि उस वक्त का भवानी खेड़ा ब्लॉक, जिसमें ज़्यादा पंचायतें नहीं होती थी, मात्र शायद 36 पंचायत थी उस वक्त की, उसी पंचायत उस वक्त का ब्लॉक में से अब कुछ गांव तो शाम ब्लॉक में चले गए, कुछ एक गाँव भवानी ब्लॉक में चले गए, बाकी के बचे हुए आदमी भवानी खेड़ा ब्लॉक में। और उस वक्त हमारे बहुत से साथी ऐसे थे जो आज उम्र होने के साथ साथ हमारे बीच में रहे भी नहीं, वो तो दोनों बात करने के लिए उस संगठन, क्योंकि संगठन ही सब कुछ होता है, संगठन पार्टी का हो, सोसाइटी का हो, यानी एक आत्मा से मिला हुआ संगठन, और उसके साथियों से मिलने का ही प्रोग्राम था। जहाँ भी आप जाते हैं तो जीत हासिल होती है, तो इसके पीछे राज क्या है, मूल मंत्र क्या है? मैं फिर यही कहता हूँ, संगठन एक ऐसी चीज़ है, इसी संगठन की वजह से देश आज़ाद हुआ, एक झंडे के नीचे सारा देश इकट्ठा हुआ। उस टाइम पर इस देश की सारी आबादी लगभग 37-38 करोड़ थी, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। वो संगठन, यहाँ के लोगों का संगठन बना एक लंबी लड़ाई के बाद देश को आज़ादी मिली, उसी प्रकार का संगठन हमने बहुत साल पहले बनाया, जिसका नतीजा ये था कि हम लगातार कई चुनाव जीते, केवल एक क्षेत्र में नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में जीते। मैं तो मानता हूँ सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का योगदान है तो संगठन का होता है। सर, भवानी खेड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ कृषि प्रधान होने के नाते सुंदर प्रांत नहर के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, अब जो धीरे धीरे समय अगर कोई इसमें सोचेगा तो मौसम में बहुत परिवर्तन हो चुका है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन, और परिवर्तन का दुष्परिणाम क्या है? आज आप भिवानी से आगे गाँव है निमड़ी वाली, जहाँ पर टोल लगा हुआ है, किसी ने देखा हो तो, जब से बाढ़ आई थी 95 में, छुटमुट बारिश को अगर छोड़ दें तो उस बाढ़ से जहाँ जहाँ पर भी असर आया, भिवानी से लेकर हिसार तक, आसी होते हुए आप सीधे उकलाना बरवाड़ा होके कैथल निकल जाओ, कैथल से फिर वापस होके आप सोनीपत, पानीपत, सोनीपत, रोहतक हो जाओ, इसके बीच में जो 95 में बाढ़ आई, उसके बाद जहाँ पेड़ और दरख्त चले गए, मैं बाढ़ से लेकर आज तक देख रहा हूँ, लगभग 30 साल होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कम बारिश होगी तो इसके अंदर होगी, अगर मैं गलती बनाऊँ। ये मौसम का परिवर्तन है, पेड़ों को हमने नहीं छोड़ा। आज जहाँ कभी बारिश का पता ही नहीं था, जैसलमेर बाढ़ में, वहाँ तो बाढ़ आ जाती है, क्योंकि उन लोगों ने पेड़ों को बचाया है। मौसम के परिवर्तन को देखते हुए हमने इस बात को लिए हर हालत में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आप भवानी खेड़े से लेकर कैथल तक चले जाओ, अपने पेड़ बहुत कम नजर आएंगे खेतों में। बाढ़ के बाद फिर आ जाओ नदी और नहर,
ये मैक्सिमम अगर यूँ रहेगा तो 40 साल से ज़्यादा हिमालय की बर्फ़, हिमालय के ग्लेशियर नहीं हमारे पास। 40 साल के बाद जिस नहर का खेत में पानी लाने की बात कर रहे हो, जमुना को भूल जाना, लोग गंगा को भूल जाएंगे। जिसके ऊपर भाखड़ा बांध बंद बनी हुई है सतलुज नदी पर, या रावी पर बांध बने हुए हैं, ब्यास पर बने हुए हैं, ये ग्लेशियर जिस तेज़ी से पिघल रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? कभी बारिश आएगी, अकेली बारिश से हमारे डैम नहीं भरते, आउट फ्लो और इन फ्लो, ये बारिश बर्फ पिघलती है तो पानी आता है, जब बर्फ ही नहीं रहेगी तो कहाँ जाओगे? पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखा आपने, सारी जमुना जो कभी दिल्ली को भी डुबोती थी, मात्र 4 दिन इसका पानी आया, 70,000, कभी 50, कभी 40, वरना इस पर 5,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी नहीं आया, जबकि वहाँ 2,00,000 क्यूसेक पानी चलना चाहिए था। ये बदलाव है, फिर भी हमने नदी और नहरों की वजह से हमने बहुत साल पहले एक आंदोलन चलाया, नहर के पानी का समान बंटवारा, आपको याद हो जाओ 2001 हमने बड़ी रैली भी करी, और उस रैली में हमने एक नक्शा बनाया कि कहाँ पानी ज़्यादा है, कहाँ कम है। पूरी की पूरी भिवानी टोटल लोकसभा क्षेत्र का था, हम हर गांव में गए थे नक्शा बना के, और जब हमारी सरकार कांग्रेस की बनी तो उसी नक्शे के आधार पर हमने 80 बुटाना लिंक नहर का निर्माण करवाया। हमने शिवानी अगर देखें तो शिवानी को हमने सीधा बाढ़ समझ से जुड़वा लिया, लेकिन जो 80 बुटाना नहर बनी 2006-07 में, बदकिस्मती से आज तक उसको लिंकअप नहीं किया गया, 150 फुट का टुकड़ा वहीं छोड़ रखा है पंजाब की वजह से। मैं एसवाईएल की बात नहीं कर रहा, इस प्रदेश का समान बंटवारे के लिए उस चीज़ को करवाया, और उस चीज़ को करवाने के बाद कहीं ना कहीं पंजाब से डर के कोर्ट का बहाना लेके उसको लिंक नहीं करने दिया। समाणा पातड़ा के पास जहाँ लिंक होना है, 80 बुटाना लिंक, इसके लिए हमारे उस आंदोलन की वजह से सभी नहरों की रिमॉडलिंग हुई, सभी नहरों की पहली दफ़ा। उस रिमॉडलिंग में चाहे सुंदर हो, जूही हो, निगाना हो, जेएलएन हो, शिवानी फीडर हो, सबको नए बनाए गए, उनके जितने रजब आए थे उनको भी दोबारा बनाने की कोशिश की है, जिसमें 90% से ज़्यादा बन भी गई, लेकिन जो असल पानी है जो हमें मिलना चाहिए था उसका एक टुकड़ा आज भी बाकी है, एक टुकड़ा। आप अगर बुटाना हेड से ऊपर जाके कभी देखोगे तो उसकी कैपेसिटी जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की है वो तकरीबन 20 किलोमीटर का टुकड़ा ऐसा है जिसकी हम कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय बढ़ जाएगा। कई बार हम लोगों को दबाव में भावनाओं को भड़का के हम कई बार फैसला तो गलत ले लेते हैं, दूरगामी परिणाम हमेशा उसके गलत रहते हैं। मुझे आज भी याद है जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, वो समझौता था पंजाब के खिलाफ, हरियाणा के हक में, और आंदोलन कराया हरियाणा ने जिसमें मैं भी शामिल था, चौधरी देवलाल भी शामिल थे, चौधरी देवलाल के नेतृत्व तो में एक लड़ाई लड़ी कि राजीव लोंगोवाल समझौता खत्म करो, याद करो आप पुरानी बात, जो अकॉर्ड था 1985 का उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक लड़ाई लड़ी कि ये समझौता हमारे हक में नहीं है। उस वक्त के मुख्यमंत्री बंसीलाल पंचायतों को ले जाके उस SYL का नहर के ऊपर लेके गया कि तुम इस काम को बंद करवाओगे, 90% वो काम हुआ, लेकिन हमारे दबाव की वजह से वो समझौता रद्द हो गया। तब से आज तक प्रदेश की सारी पार्टियां केवल एक बात कह रही हैं कि वह नहर पूरी करवाओ, उस समझौते में जो बननी थी उसका फायदा मेरे जैसे आदमी को तो मिल गया, मैं MLA बन गया, लेकिन प्रदेश का हित तो हमने खराब कर लिया। कई बार हम प्रदेश हित की ना सोच के अपने हित की सोचने लग जाते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। आज प्रदेश की सारी पार्टियां क्या कहती हैं, SYL नहर बनवाओ, रोकी किसने थी? हमने रोकी थी 1987 में, क्यों रुकी? अगर उस राजीव लोंगोवाल समझौते को हम उसी वक्त मान लेते तो हमारा पानी आ गया था, 90% नहर भी बन गई थी। लेकिन ये सही है कि लोगों को हम प्रदेश या देश हित की बजाय हम अपना हित सोच के काम करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है, क्योंकि इस सुंदर नहर में जो कम पानी आया है उसके दो रीजन दूसरे भी हैं। जहाँ हम यमुना का पानी भाखड़ा का डाल के JLN जो एक नया सिस्टम है उस कैपेसिटी को हमने बढ़ा लिया, और उस JLN का पानी
टोटल महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, गुड़गांव जिला, दादरी और लोहारू का एक पार्ट जिसमें लोहारू फिट जाती है, वो उसका जेलन का पानी हमने वहाँ ज़्यादा दिया है पिछले कई साल से। जैसे वहाँ पानी गया तो स्वाभाविक है कि सुंदर का पानी कम हो गया। सुंदर की जो कैपेसिटी है वो कुछ तो चोरियाँ होने लगी, जिस चोरी को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लोगों की आदत ख़राब हो। और जैसा मैंने कहा कि एक पोर्शन ऐसा भी है जहाँ हम सुंदर की स्ट्रेंथिंग नहीं बढ़ा पाए, जिसका नुकसान जूही, निगाना और सुंदर को है, और कहीं ना कहीं कमज़ोर प्रतिनिधित्व होने की वजह से इधर वो अपना हक इधर नहीं ले पाए, जिसका खामियाजा इलाके को भुगतना पड़ गया। मुझे ये कहते कोई शर्म नहीं आती, भाई मैं किस पे हक में बात जाएगी, किसके खिलाफ जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खेड़ा में बैठे थे बुआनी खेड़ा के लिए कोई विशेष होगा जो आप सांसद बतौर ला सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग है जो यहाँ मांग कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इन्हें बहुत ट्रेनें रुकनी थी। बिल्कुल, इन्होंने ज्ञापन दिया है। एक हमने अभी हमारे पूरी कोशिश है कि दबाव है, एक हावड़ा चलती है दिल्ली तक, दिल्ली स्टेशन है उसका, हमारी कोशिश है कि वो वापस हांसी भिवानी भवानी खेड़ा हांसी होकर वो स्टेशन भी हमें गंगानगर तक मिले। कुछ एक जो स्टॉपेज उन्होंने दिए हैं, कोरोना से पहले वो ट्रेन रुकती थी, क्योंकि दोबारा से ये ब्रॉड गेज होगी लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी है, वो कुछ ट्रेन जो रुकी है उनका नाम उन्होंने दिया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि रेल मंत्री को कहें कि वो इसको दोबारा से देखें। पहले वाली रेल की लाइन का आज का आपने बहुत अंतर मिलेगा, पहले कहीं पर भी अंडरपास ठीक नहीं थी, कहीं आर ओ भी नहीं थी। इस 10 साल में आपने इस रेलवे का जो मॉडल है वो देखा होगा, देश में, प्रदेश में, क्षेत्र में बदला है। पहले ऐसी सोच नहीं थी, पहले ट्रेन जो पहले पहुंचती थी दूर जगह स्टेशनों पर, आप बहुत सी ट्रेन ऐसे देखोगे चाहे भिवानी हो, भवानी खेड़ा हो, हांसी हो, जो सीधी या तो कलकत्ता मिलेंगी या बम्बई मिलेंगी या हैदराबाद मिलेंगी, ये सारी की सारी लाइनों का इसी प्रकार से कनेक्टिविटी बेहतर हो, इस पर लगी हुई है सरकार। राष्ट्रीय सोच के लोग बीजेपी में आए हैं, कोई ना कोई सोच के ही, वह आयोग की सोच की पार्टी शामिल करवाया होगा, क्या बुराई है? कई लोग ये कह देते हैं कि आपकी विचारधारा कैसे मिलेगी, हम इकट्ठे कांग्रेस में भी इकट्ठे तो थे यार, अब बीजेपी में अगर वो आई है तो स्वागत है। हमने कोई और पूछना पूछ लो किसी मलिक के मामले में क्या है? विनेश फोगाट के मामले में क्या कहें? देखो अरे सबको दुख है इस बात का जी, और 100 ग्राम तो आदमी अपने बैठे संसद, हमने एक गिलास पानी पिया दोगे तो 100 ग्राम बन जाएगा। इस बात के लिए भी, और जो खिलाड़ी है वो किमें तो थोड़ा बहुत पेट में गिरेगा। हम तो बड़े हैरान हैं कि इस प्रकार का जो रिजल्ट दिया है इस आईओ ने, हम तो इससे संतुष्ट नहीं हैं।